हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की एक बार फिर शुरुआत हो गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा की कमान संभाल रहे हैं। हालांकि हरियाणा में कुमारी शैलजा की तरफ से भी एक यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को जो सबसे ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा को मिल रहा है। लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि जहां सरकार की रैलियों में भीड़ न के बराबर रहती है, वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा में जनता का जमावड़ा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो दूसरे चरण की यात्रा है वो शाहबाद से शुरू हो गई है। शाहबाद से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरे चरण की यात्रा का शुभारंभ किया है। खास बात ये रही कि इस दौरान जेजेपी के विधायक रहे रामकर्ण काला भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में नजर आए। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के 15 में से एक भी सवाल का जवाब अब तक नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना मौन कब तोड़ेगी और आखिरकार कब तक सवालों के जवाब देने से बचती रही। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा, यह उसकी जवाबदेही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिसाब मांगा तो मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के काम को अपना बताकर गिनवा दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी से बौखलाई हुई है। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत शहीद उद्धम सिंह के बलिदान दिवस पर हमने इसलिए शुरू की है ताकि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। अब देखना यह होगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दूसरे चरण की यात्रा में कितना जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल पाता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि पहले चरण की सफलतम यात्रा के बाद अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दूसरी यात्रा की शुरुआत भी शानदार और जानदार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रेणा।